दीदी छे घर में छे आबू। बड़ खुशी के बात है दीदी, यहाँ अंगना में लक्ष्मी आयल। हाँ आबू घर में बैठू, खुशी के बात तो भले आबू। दीदी दीदी कनिया आयल हॉस्पिटल से, बच्चा बढ़िया है ना? अल कनियो अल बच्चो अल सब चीज ठीक है, भगवान के दया से सब ठीक है। बच्चा के मुँह मीठा करे के लिए मौध चटलिए। पहला 6 महीना धरि सिर्फ बच्चा को माँ के दूध पिलेने। दीदी पहला दूध गाड़ के फेकलिए रह? पहलुका गाढ़ा दूध गाड़ के फेकल जाए छे। चाची है बच्चा के जन्म के 1 घंटा के अंदर अंदर माँ के पीला गाढ़ा दूध बच्चा के पियाबे के चाहिए। अहाँ के सब बात के बतेलक? सब बात हमरा सब के समूह में सहेली दीदी आबे छे, उ सब बतबे छे। अरे कते समय पर सहेली दीदी आबि गेले, आबू आबू बैठू। बधाई हो दीदी, माँ और बच्चा के अस्पताल से ले अलिए। माँ बच्चा के दूध पिलावे छे, आबू बैठू हम बोला दे छी। इएह सब एकरा के बतावे रहिए जे बच्चा के जन्म के बाद की सब दे छे। आबू दुल्हीन सहेली दीदी आबि गेले, बच्चा के नेने आबियो। सब दीदी के प्रणाम छे। हाँ अपना बच्चा के जन्म के आधा से 1 घंटा के भीतर पहला गाढ़ा पीला दूध पी लेलिए रह? हाँ पिए लिए रह। अच्छा हाँ जाओ दीदी घर, बच्चा के लेके आराम करो। ठीक। आय अहाँ सबके बताएम कि नवजात बच्चा के जन्म के पश्चात देखभाल केना करना चाहिए। दीदी बच्चा के 6 महीना तक सिर्फ माँ के दूध पी लेना चाहिए। दीदी माँ के दूध में बच्चा के लिए 90% पानी भी वहीं में मिल जाए छे। और अहाँ जानियो कि माँ के दूध पिलेला से बच्चा के की फायदा हुए छे। बार बार दीदी दूध पी लेने से माँ के शरीर में ज़्यादा दूध बने छे। दीदी लगभग सब माता के शरीर में एक बच्चा यानी कि जुड़वा बच्चा के भी पोसे के लिए दूध बने छे पर्याप्त मात्रा में। एक खातिर अहाँ आर के 6 महीना तक सिर्फ बच्चा के माँ के दूध पी लेबे, बाकी कुछ ना देबे। दीदी अखनी तो अहाँ पढ़लिए कि माँ के फायदा की होय छे बच्चा के दूध पी लेने से। आब अहाँ सब सुनियो कि बच्चा जे दूध पीते तो वैसे बच्चा के की फायदा हेते। बच्चा के दूध पी लेने से बच्चा वृद्धि और विकास बढ़िया से करते अपन, ठीक ने? ओके बाद बच्चा के लिए माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध पहला टीका के काम करते और बच्चा के बीमारियों से लड़े के क्षमता देते और बच्चा के स्वास्थ्य के लिए भी कई पोषक तत्व माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध में पाल जाए छे। एक खातिर बच्चा का पहला गाढ़ा पीला दूध पी लेना बहुत जरूरी छे। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करने से दीदी माँ के शरीर में चावल के निकलने तथा माँ के स्तन में दूध बने के प्रक्रिया ज़्यादा भए जाए छे और रक्त स्राव के रोके छे। और एक बाद अहाँ के गर्भाशय फैलल जे रहे छे ओकरा अपना स्थान पर लावे के लिए जे छे से काम करे छे। दीदी अहाँ सबके जे भी बतेलू समझ गेलिए ने? बताइए दीदी एगो पॉइंट की समझेलू? दीदी हम इएह समझलिए जे बच्चा के जन्मे के बाद 1 से 1.5 घंटा के अंदर माँ के गाढ़ा पीला दूध पियेना जरूरी छे। अच्छा दीदी अहाँ दोसर पॉइंट बतबियो। माँ के पहला दूध टीका के काम करे छे और हरेक बीमारी से बच्चा के बचावे छे। दीदी अहाँ कहियो तीसरा पॉइंट। पहला 6 महीना तक सिर्फ माँ के दूध पिलेने छे, मौध पानी कुछ नहीं देने छे। दीदी पहला 6 महीना तक केवल माँ के दूध नहीं पिलेने से अहाँ के 3 गो हानि छे। पहला बच्चा शक्ति और पोषण तक संपूर्ण विकास नहीं कर पेते। दूसरा अहाँ के बच्चा के 6 महीना तक अगर कुछ दे छिए ऊपरी आहार के रूप में पानी या भी कुछ भी दे छिए तो वैसा अहाँ के बच्चा गंभीर संक्रमण के शिकार हेते। तीसरा अहाँ के बच्चा जना पे जे बच्चा दूध माँ के पीने छे और अहाँ के बच्चा नहीं पीने छे तो ओकरा विकास से अहाँ के बच्चा कम विकास करते। ये सब बात बहुत जरूरी छे दीदी, अहाँ सबके समझ में आब गेल ने? और सब पड़ोसी सबके भी बतेबे। हाँ सब बात ध्यान में चल ले और दूसरो सबके बतेबे। ध्यान रखने योग्य बातें।
जन्म के आधे से एक घंटे के भीतर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कि कोलेस्ट्रॉम पिलाना बहुत जरूरी है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात के लिए पहले टीके का काम करता है। इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, साथ ही इसमें बच्चे की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए जरूरी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। बच्चा को पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। जन्म घुट्टी शहद पानी कुछ नहीं देना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। जुग जुग जिया तू लालन माँ भवन माँ के भाग जागल हो ललना लाल होइए कुलवा के दीपक मन माँ में आस लागल हो। जुग जुग जिया तू ललन माँ भवन माँ के भाग जागल हो ललना लाल होइए कुलबा के दीपक मन माँ में आस लागल हो।